बीच में यार इधर रोक के पहले इफ्तारी के लिए कोई चीज ले लेता हूँ। सुन दिस, दरवाजा तो खोल दो यार। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। जब तक घर में हम नहीं है ना तब तक ये घर में देखो हर कमरे में जाओगे तो चिड़िया ही चिड़िया घुसी हुई है कमरे में। टाइम देखो गाय, शाम के 5:30 बज चुके हैं इस वक्त। यार तू बड़ा करप्ट आदमी है, तुझे टाइम की कोई फिक्र नहीं यार। सुबह का मैं इतना काम कर रहा हूँ, पहले दुकान पे गया हूँ, फिर प्लॉट पे काम करवा रहा हूँ, फिर मार्केटों के काम कर रहा हूँ, तो मुझे खुद तैयार होने का टाइम ही नहीं मिला। आज भाई साहब दूल्हे राजा साहब की इफ्तारी है अपने ससुराल में। मैं नहीं मानता। अब सुंदर के पेरेंट्स का घर और मेरे दोनों घर का उनके घर से डिस्टेंस लगा लो ना तकरीबन 2 से 2500 साल का डिस्टेंस है, तो वो अभी मैंने शुरू कर दिया, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं भी अपने घर जाके तैयार हो जाऊँ। सुंदर को मैंने कहा यार तुम डायरेक्ट उधर पहुंचो और मेरे कपड़े लेके पहुंचो, मैं उधर ही आके तैयार हो जाऊंगा। मौसम चेक करो गाइस, बड़ा ही सनमिक्सी किस्म का मौसम। भाई यार एक बड़ा मसला हो गया, मुझे याद ही नहीं रहा सुंदर ने मुझे कहा था अम्मी अबू की एनिवर्सरी है तो तुम आते हुए लाजमी केक लेके आना। अब मैं अगर केक लेने के लिए रुक गया ना तो इफ्तारी रस्ते में ही करनी पड़ेगी, तो मेरे ख्याल से इफ्तारी बेशक बाहर हो जाए केक लाजमी पहुंचना चाहिए उधर। लेट हो गया तो उस पर अलहदा पढ़नी है कि यार खाना किया तो टाइम पे नहीं पहुंचे, केक नहीं गया उस पर अलहदा पढ़नी है। तो गया बेटे। भाई आपका इस वक्त फंस गया और इस फंसने के नोट पे मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ आज का व्लॉग, तो लेट्स गो दिस आर द व्लॉग। चल मेरी 660 सीसी जितनी तेरी जान है उतनी लगा और हमें पहुंचा दे टाइम पे। 12 seconds later। गाइस मौसम इस वक्त बड़ा खराब हो गया, लेकिन यार केक लेने जा रहा वो चेक करो सामने, मैं बेकरी से केक लेते हैं ना जल्दी से फिर निकलते हैं। सारा मुंह अंदर से मिट्टी मिट्टी हो गया यार। वेजिन किटकैट केक है, किटकैट केक दे दे। हैप्पी एनिवर्सरी दिस एंड एस। 30 मिनट्स में गाइस हमें उधर पहुंचना चाहिए, नहीं तो इफ्तारी हमारी आज बाहर ही रोड पे ही होगी कहीं पे। गाइस बड़ी बुरी ट्रैफिक में फंस गए क्योंकि बारिश बहुत हो रही है ना, इस वजह से ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, तो यार उधर जाके मुंह हाथ धोने वगैरह का तो टाइम नहीं होना, इसी तरह हम जल्दी से ना अपना मुंह हाथ इसी तरह जल्दी से धो लेते हैं। बीच में यार इधर रोक के पहले इफ्तारी के लिए कोई चीज ले लेता हूँ, क्योंकि यार गाइस सीधी बात है आधे घंटे का रास्ता और रहता है, पागलों की तरह गाड़ी भगाने का फायदा नहीं ना, तो इधर बस जा रहा हूँ यार कोई चीज लेता हूँ खाने पीने के लिए कि इफ्तारी हो जाए। एक गेटो रेडी खाली ले लेते हैं इफ्तारी के लिए, साथ में ये बिस्किट भी लेता हूँ। अब यार गाइस हम लोग जो है ना सुकून से चल सकते हैं, नहीं तो यहीं पागलों की तरह मैं गाड़ी भगा रहा था, इतनी देर से पहुंचना था नहीं हमने। वो देखो यार पीछे रोड छोड़ जो है ना सारी खाली हो गई है। सैनिटाइजर शुक्र है साथ ही पड़ा हुआ था, क्योंकि यार साइड के ऊपर होता हूँ हाथ पे सीमेंट सीमेंट लगा होता है, शुक्र है सैनिटाइजर था ना, अब आराम से हम इफ्तारी कर सकते हैं। टाइम भी इधर 6:21 हो गए हैं, बस 2-1 मिनट ही रह गए इफ्तारी होने में। इधर यार पता नहीं अब कहीं पे अजान की आवाज आती है या नहीं, क्योंकि इधर आस पास मस्जिद वगैरह कहीं नहीं नजर आ रही। अभी डिस्टेंस जो है ना हमने आधे घंटे को और कवर करना है, इधर कहीं पे आस पास कोई बंदा नजर आ जाए ना इफ्तारी करते हुए फिर मैं भी रोजा खोल लेता हूँ, क्योंकि टाइम तो हो गया ऑलरेडी। वैसे तो गाइस पाकिस्तान में रमजान में कहीं भी जाओ ना तो बाहर दस्तरखान लगे होते हैं, तो आराम से पता चल जाता है कि इफ्तारी होगी। असल में बारिश वगैरह तेज हो रही है ना, इस वजह से दस्तरखान भी आज अंदर अंदर वही तरफ लगे हुए। यार मलंग जान बनू बीफ लाओ आके इधर कोई नजर आ जाए इफ्तारी करते हुए। कोई बंदा इधर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा इफ्तारी करता हुआ, तो आगे टोल प्लाजा आता है उनसे पूछता हूँ कि अजान होगी या नहीं। अजान होगी, शुक्रिया भाई। पीछे बराती आगे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा। खोलो भी सुंदस, सुंदस दरवाजा तो खोल दो यार, दरवाजा तो खोल दो यार। आज तो टाइम पे आ जाते यार, कसम से काम बहुत था, काम में बिजी था यार कसम से। दोस्तों से बिजी हूँ तो फिर तो लेट लेट काउंट होता है, ये तो लेट काउंट नहीं होता। ऐसे तो होता है। केक ला रहा था यार इस वजह से आगे चली गई। कपड़े आगे गाइस, अब मैं जल्दी से बस कपड़े चेंज करता हूँ, तुम लोग सबर करो यार। 2 hours later। अमार साहब इधर गाइस तैयार हो गए हैं, बस इनसे आ रहा हूँ इफ्तारी करने। खाने में जो है ना अकेला मैं ही बंदा रह गया हूँ, इधर मामा पापा दोनों खा चुके हैं, यहाँ तक कि सनम भी खा के बच्चों को खिला रही है, सुंदर भी खाना खा चुकी है, खाना खा चुके हो। अब तो यार गाइस अकेला टेबल पे भी मैं ही रह गया हूँ, देख लो सारे उठ के भी इधर से चले गए मैं, लेकिन लगा हूँ यार क्योंकि हम अपना पेट भर के ही खाना खाएंगे। मुझे गाइस इतनी भूख लगी हुई थी, जो कुछ मिला ना मैंने सब कुछ मिक्स करके इधर इसी तरह खा ली। खाना जल्दी खत्म करना पड़ेगा क्योंकि उधर जो है ना डिजर्ट लगने शुरू हो गए। खत्म तो नहीं होगा, आंटी ने टब भर के बनाया। दमाद साहब को पानी ला के दो। केक यार भाई सब गाड़ी में ही रह गया था, बस वो लेने आया हूँ, बस जल्दी से केक निकालते हैं वापस चलते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। यार चेक करो बारिश अभी तक नहीं रुकी, सुंदर आ गया मेरे साथ, तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं घर, पापा वगैरह वो लगे हैं, हम लोग इधर हैं, तो बस अब इधर से घर चलते हैं, सर्दी होगी वापस। खुदाफिज़। नेक्स्ट मॉर्निंग। टाइम देखो यार आज शाम के 4 बज गए, आज मैं कहीं भी नहीं गया। रात को यार जिस वे इफ्तारी से वापस आ रहे थे ना, तो सनम ने कहा यार मुझे मार्केट जाना है, तो 11 बजे रात को समझो मैं घर वापस आया हूँ, और सुबह 11 बजे का मैं घर से निकला हुआ था, तो इतना थक गया था यार रात को, मैं सोया भी फिर बाद में सहरी करके हूँ, और उसके बाद मैं उठा हूँ तो दोपहर के 2:30 बजे हुए थे। ओ यार क्वालिटी अंदर रह गए। सुंदर यार वो टेबल पे देखना मेरा वॉलेट पड़ा होगा यार, वो एक तो दे देना और एक पेन भी दे देना। दोपहर 2:30 बजे मुझे सुंदर ने उठाया। यार हसन तुम्हारे 20 से ज्यादा मिस कॉल्स आ चुकी हैं, कम से कम फोन तो उठाओ। तो फिर
मैं उठाऊं दो यार। रात को सोने से पहले ना मैंने पर्दे वाले को 15,000 रुपए एडवांस भेजा। मैंने कहा यार तुम अपना हार्डवेयर का सामान हो गया ले लो, सुबह मैं साइड पे आऊंगा ना तो तुम भी आ जाना, उसके बाद काम शुरू कर देना। अभी 2:30 बजे मुझे लगा इसीलिए फोन कर रहा होगा कि सर आपने कॉल ही नहीं की। वो उल्टा आगे से कहता है कि सर मैंने तो काम पूरा कर दिया, मैं तो बैलेंस पेमेंट के लिए कॉल कर रहा हूं, तो इसलिए यार जल्दी से बस साइड के ऊपर जा रहा हूं काम चेक करने, उसके बाद फिर घर जाएंगे इफ्तारी करने क्योंकि थोड़ा टाइम है। पहुंच गया हूं यार घर। ये देखो इधर पार्क में भी सही काम चल रहा है, इधर ग्रिल्स वगैरह सारी चीजें इधर लग चुकी हैं, इधर बस बात बन रहा है, बस अंदर जाके यार छोड़ो अपना काम चेक करते हैं। ये यार पीछे चेक करो पर्दे के रॉड जो है ना पूरे घर में लग गया, तो मैंने उसको पेमेंट कर दिया, बेचारा मेरा ही वेट कर रहा था, मैंने पेमेंट कर दिया। मैंने कहा जाओ यार याशी मारो, जब तक घर में हम नहीं है ना तब तक घर में देखो हर कमरे में जाओगे तो चिड़िया ही चिड़िया घुसी हुई है कमरे में। अब यार मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि कल इफ्तारी पे मैं क्यों लेट हो गया था। यार मैं कल इधर काम करवा था, ये रेलिंग वगैरह देखो इधर, ये सारी रेलिंग वगैरह मैंने कल लगवा दी है, अभी कम्प्लीट नहीं हुई, इसके अंदर अभी फूल के डिजाइन वगैरह और चीजें आनी है। पूरी तो कम्प्लीट नहीं हुई लेकिन काफी हद तक, तुम लोग नीचे तक देखो ना एक तरफ की काफी कम्प्लीट है, ये वाली साइड जो है ना अभी आनी है। और एक तो यार ये ऊपर का गेस्ट रूम है ना ये थोड़ा छोटा है, इधर ड्रेसिंग टेबल वगैरह की जगह नहीं थी, तो दो अलमारियां तो मैंने इधर सिंपल बनवाई है, तो तीसरी अलमारी जो है ना मैंने शीशे की अलमारी बनवा दी, तो ये मैं बस करवा रहा था, ये भी अब पूरा हो चुका है। कल जो मेन लेट हो गया था ना, कल ये वाली खिड़की लगा रहे थे, इस वजह से लेट हो गया था कि ये खिड़की इस वजह से है कि ऊपर से सीधा रोशनी वगैरह अंदर आ जाए ना, शीशे वगैरह ऊपर लगे हुए हैं, पानी जो लगेगा सीधा बाहर, क्योंकि बेसमेंट वगैरह यहाँ यूजली अंधेरा होता है, तो मैंने उसको अंधेरा ना होने की वजह से ना इस वजह से ये बड़ी वाली खिड़की बनवाई है, इधर बड़ी वाली खिड़की रखवाई है, इस जगह से जो है ना इसको मैंने ओपन रखवाया है कि सीधा ही नीचे रोशनी वगैरह आती रहे ना। ये देखो इधर अब शीशे वगैरह लग गए, बारिश वगैरह होगी तो पानी बाहर रोशनी सीधा अंदर। ये ग्रिल्स की डिजाइनिंग में भी ना यार अभी काफी काम रहता है, इधर मास्टर पिलर्स वगैरह बनने हैं, इसके बीच में और डिजाइनिंग वगैरह चीजें होनी है, तो अभी काम शाम रहता है। ठीक है। हेलो हेलो, क्या कह रही हो, क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? सुंदर कह रही है यार मेरी ये डोनट ले आओ आते हुए कहीं से, तो अभी कहीं से डोनट वगैरह पिक करते हैं, और यार तुम लोगों को जान के बड़ी खुशी होगी कि मेरी इस घर से अभी छुट्टी होगी है ईद तक। ईद तक अब मुझे वापस इधर नहीं आना, काम इधर मैंने रैप अप कर दिया, लेबर को मैंने छुट्टी दे दी। अभी यार अंदर से जाके डोनट लेके आता हूँ पहले। यार दो बॉस्टन क्रीम करने आज भी भाई साहब, मेरे हिसाब से इफ्तारी रोड के ऊपर ही होने वाली है, क्योंकि टाइम देखो 6:00 बज गए हैं, 25 मिनट रह गए इफ्तारी होने में, आधा घंटा घर दूर है, और बीच में हमने रोटियां लेने भी जाना है, तो भाई साहब आज तो हम फिर इफ्तारी रोड पे ही कर रहे हैं, लेट इफ्तारी करेंगे। इफ्तारी गाइस आज फिर रोड के ऊपर ही की है, अभी रोटियां लेने गया हुआ था तो उन्होंने ही साथ में इफ्तारी करवा दी है, बस अब घर जाके खाना खाते हैं क्योंकि भूख भाई साहब आज भी बहुत ज्यादा लग रही है कल की तरह ही। रोटियों का गाइस ये इधर माँ पापा वगैरह भी वेट गए थे, इन्होंने भी इफ्तारी कोई नहीं की थी, तो अभी ये लोग भी खाना खा रहे हैं। अभी खाने में यार ये कल वाली चिकन कढ़ाई जो सुंदर के अबू ने बनाई थी ना वो मैंने थोड़ी सी पैक करवा ली थी, थोड़ा सा पुलाव है, और मामा ने बनाया आज बैंगन गोश्त। सुंदर गाइस इधर तरबूज से इफ्तारी कर रही। यार गाइस समझ नहीं आई, एकदम बिलाला जी ने कहा कि जलाल चौक के ऊपर पहुंच जाओ, मैं आके खड़ा हो गया हूं तो खुद तो नहीं है इधर। वापस यार अंदर जाके देखते हैं बिलाला जी। हां जी क्या सीन है, चलो किधर पार्टी आज तो गाइस बिलाला जी हमें शहरी करा रहे हैं। ये हुई ना बात, ये तो आपको पता है बिलाला जी भी मेरी तरह के शेख है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं कि वो हमें शहरी करा दे, तो कहीं और ही जा रहे हैं मेरे हिसाब से। और बिलाला जी 2 मिनट में जैकेट रख लूं अपनी। पता गाइस कोई नहीं कि असल में कहीं पे शहरी करवा दे जाके, तो वैसे बाहर आहिस्ता थोड़ी बहुत सर्दी हो रही है, तो मैंने कहा यार जैकेट रख लेते हैं। यही वाली यार सामने पड़ी हुई है, यही वाली रख लेते हैं। A few minutes later ये देखो गाइस मुनाल का कह के इधर कोयटा कैफे ले आए हैं, मुरीगर साथ भी आ रहे हैं ना, तो फ्रेश जूस वूस ऑर्डर करें, बिल देने से पहले 10 मिनट पहले उठ के हम निकल जाएंगे। क्या सोच है रे तेरी, मैं तो कसम से वॉलेट भी गाड़ी में छोड़ आया हूँ, और मेरे पास तो होते ही नहीं है वैसे ही, तो मोहित और हमारे साथ भाई आ रहे हैं, बड़े अमीर लोग हैं दोनों, आज उनके सिर पे हैं। गाइस देखो यार कैसी जगह पे लिया है, क्या जगह है, कसम से कोई लग रहा मसाज पार्लर ही है। बिलाला जी ये काम ना करो यार, ये चीजें छोड़ दो, तुम्हें समझा मैं तुझे समझा रहा हूँ, ये चीजें छोड़ दे। गाइस यार बिलाला जी लगे हुए थे कि ये जो बाकी दोस्त आए हुए ना ये हमें कुछ खिला देंगे, लेकिन बिलाला जी की बात इधर कोई नहीं बनी मेरे ख्याल से, अब मुझे बिलाला जी को ही कहना पड़ेगा कि वो ही कुछ खिला दे शहरी में। और इस नोट पे मैं एंड करना चाहता हूँ आज का व्लॉग, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।